हेलो फ्रेंड्स बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी एस सेकेंड ईयर जुलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी इस सेमेस्टर के अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पार्सल दोस्तों इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं जैसे नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज डिस्कटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकॉन्टीस डिस्ट्रीब्यूशन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं या कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं मतलब जितना भी बेसिक टॉपिक होता है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ठीक है जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये दोनों एग्जाम्पल हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं एंड फाइनली हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसकटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कभी कभी पाँच नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जनरली शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम यहाँ पर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ डिस्पार्सल प्रकीर्णन के साधन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं तो जितना भी बेसिक टॉपिक रहता है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों इस चैप्टर से मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एम एस सी एंट्रेंस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जुलोजी से एम एस सी करना चाहते हैं और किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम में आप वहाँ पर एम सी क्यूज़ के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एम सी क्यूज आप तभी सोल्व करेंगे जब आपके पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होगा उसके बाद आप एम सी क्यूज़ को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं तो आज हम जो बेसिक नॉलेज हम स्टडी करने वाले हैं एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें से हम एक भी चैप्टर एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे सभी को सिक्वेंस वाइज स्टडी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिए एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पार्सल सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दोस्तों ये जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको नोट ना करते हुए सबसे पहले हम ये समझते हैं इस पूरे वीडियो का जो पूरा ओवरव्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको ईजिली समझ पाएं दोस्तों एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि किसी लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइला ग्लोबोसा पायला ग्लोबोसा आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल सुस्त एनिमल होता है स्लगिश होता है इसलिए पूरी एक लिमिटेड एरियाज में रह पाता है उसके बाद कुछ ऐसे भी एनिमल्स आपने देखे हैं जो पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यानी कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस यानी कि कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स लिमिटेड एरियाज में रह गए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कई सारे एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए या प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए तो वही चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कुछ एनिमल्स जैसे कि रैट ठीक है जैसे कि चूहा या रेट बैट्स लिजर्ड ठीक है छिपकली स्नैक बर्ड्स या मैन ये पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ठीक है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हो ऐसे एनिमल या स्पसीज जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अब ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो कि लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं ठीक है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलेंगे डिस्कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल का वो जनरली हम उसे थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नंबर फर्स्ट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर सेकेंड डिस्कटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर थर्ड बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों डिसकटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया ये जो एनिमल्स हैं इन्हें हम यूरीटोपिक एनिमल कहते हैं यूरीटोपिक एनिमल्स क्या होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हों ठीक है पूरी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हों ऐसे एनिमल्स यूरीटोपिक एनिमल कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स जो किसी रेस्ट्रिक्टेड या किसी लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं उसे हम इस्टेनोटॉपिक एनिमल्स कहते हैं अब हम यहाँ पर जानते हैं डिसकन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इसका अगर मैं एक नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये जो आपको देख दिखाई दे रहा है ये हमारे पास तीन लैंड है ठीक है ये तीन भूभाग हैं ये जो बीच वाला जो भूभाग आपको दिखाई दे रहा है ये इस भूभाग और इस भूभाग को जोड़ रहा है मतलब ये एक कनेक्टिव लिंक है हमने क्या देखा दोस्तों इस भूभाग में कुछ एनिमल्स पाए जा रहे हैं और वही एनिमल्स इस भूभाग पर भी पाए जा रहे हैं लेकिन इसके जो बीच में है वो नहीं पाए जा रहे हैं ठीक है यानी कि जो कनेक्टिव लिंक है जो इन दोनों को जोड़ रहा है उसमें ये नहीं पाए जा रहे हैं तो हमें देखना होगा ऐसे कौन से रीजन्स हैं क्या कारण थे जिसकी वजह से ये यहाँ नहीं पाए जाते और इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ इस भूभाग में है इस भूभाग में है लेकिन इनको जोड़ने वाले भूभाग में नहीं है तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड तो आइए समझते हैं इसको नोट करेंगे थ्योरिटिकल पोर्शन भी एनिमल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर हो या धरती हो या लैंड हो या टेरेस्ट्रियल हो मतलब उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन प्लेस कुछ एनिमल्स जो हैं वो किसी सर्टेन प्लेस पर या लिमिटेड एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड हैं मतलब पूरी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बाय द सेवरल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेट वहाँ की जलवायु फूड सेल्टर फ्लोरा एंड फ्यूना ये दोनों एक दूसरे uh, के कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैं प्लांट और एनिमल के रेस्पेक्ट में एट्सेट्रा तो हमने क्या देखा एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं एनिमल्स आर नॉट इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पृथ्वी चाहे वो धरती हो चाहे वो पानी हो

तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग लीजिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नोट करेंगे सबसे पहले यूरिटोपिक और वाइड रेंजिंग एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल यूरिटॉपिक एनिमल क्या होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइड रेंजिंग एनिमल यानी कि दूर दूर तक फैले हुए देश विदेश तक फैले हुए जो एनिमल्स होते हैं वो वाइड रेंजिंग एनिमल्स कहलाते हैं आर अडेप्टेड टू ए वाइड वराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि दोस्तों जैसा भी वातावरण होता है चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो धूप हो ये उसी के अनुकूल हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूम्स की बात करते हैं अगर सर्दी का मौसम होता है तो हम स्वेटर मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे कि हम सर्दी से बच सकें अगर गर्मी होती है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं यानी कि जैसा भी वातावरण होता है, हम उसी के अनुकूल की कोशिश करते हैं जो यूरिटॉपिक एनिमल्स होते हैं वो वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं ठीक है जैसा वातावरण होगा उसी के अनुकूल हो जाते हैं अडेप्टन की एक पावर होती है आगे बढ़ते हैं हम आर नोट एंड आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दोस्तों ये किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ मांस भक्षी होते हैं और मांस पर ही डिपेंड होते हैं कार्नी होते हैं कुछ जो है हर्बी होते हैं तो ये जो एनिमल्स होते हैं यूरिटोपिक एनिमल्स ये मांस भक् यानी कि हर्बी वॉरियर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये मांस को मांस हो चाहे वो किसी भी तरह का फूड हो उस पर डिपेंड नहीं होते कुछ भी खा करके ये सर्वाइव कर जाते हैं जिसके कारण ये जो है कहीं भी एन्वायरमेंट चाहे कैसा भी हो कैसा भी फूड हो ये उसे खा करके सर्वाइव कर जाते हैं और जीवित रहते हैं तो इसका मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप के फूड पर डिपेंड नहीं है कि हाँ मुझे यही मांस चाहिए तभी मैं उसे खाऊंगा और मैं जीवित रहूंगा ठीक है ये किसी भी हारबी वॉरियर्स भी होते हैं और कार्निक भी होते हैं आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड आगे बढ़ते हैं एंड आर मे हैव स्पेशल पावर टू क्रॉस बैरियर्स आदर बाय फ्लाइट राफ्टिंग स्विमिंग एंड अडेप्ट न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन दोस्तों इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं ठीक है जिसकी वजह से ये किसी भी फिजिकल बैरियर्स को पार कर जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल से आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं जैसे ये कोई भू भाग है और यहाँ पर कोई एनिमल्स पाया जा रहा है ठीक है यहाँ ये पर ये भू भाग है कोई एनिमल्स पाया जा रहा है और बीच में बहुत ही बड़ा समंदर है तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये इस ये यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पक्षी की बात करें तो उनके पास फ्लाइट्स मतलब कि विंग्स होती हैं ठीक है पंख होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ करके यहाँ से इस बड़े से बड़े से समंदर को पार करके इस भू भाग में पहुंच जाते हैं उसी तरह से कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो कि राफ्टिंग स्विमिंग के थ्रू जो है पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें इन एनिमल्स के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती है जिसकी वजह से किसी भी फिजिकल बैरियर्स को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर कोई स्पेशल पावर तो नहीं होता लेकिन इसके पास होता है ब्रेन और और इस ब्रेन की वजह से ये हमने स्टार्टिंग में बनाया था दोस्तों आपको आपको यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जैसे हम फॉर एग्जांपल एरोप्लेन हेलीकॉप्टर पैरासूट इनकी मदद से हम एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक चले जाते हैं हम किसी भी कंट्री में चले जा सकते हैं हर जगह पर जाकर सर्वाइव कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूम्स जो है वो सबसे ज़्यादा अडेप्टिव होता है किसी भी इन्वामेंट को अपने अकॉर्डिंग बना लेता है तो फ्रेंड्स नोट करेंगे कौन कौन से वो एनिमल्स हैं यहाँ पर नोट करेंगे वाइड रेंजिंग एनिमल इंक्लूडिंग जैसे कि रेट्स, बैट्स लिजर्ड, स्नैक्स बर्ड्स एंड मैन ठीक है तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं एक बार इनकी छोटी सी अगर डेफिनेशन नोट करें विच एनिमल आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको हम कहेंगे कि ऐसे एनिमल जो कि पूरे वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पाए जाते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अब हम बात करते हैं दोस्तों डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कटीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरह से समझा जा सकता है इसके द्वारा ठीक है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिए वेन कॉन्टीन्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीसीज यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की जो कॉन्टीन्यूटी होती है इस ब्रोकन टूट जाए बाय अनहेबिटेड एरियाज विच आर समटाइम्स वेरी लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ओशियंस तो आइए इसको समझते हैं दोस्तों जैसे ये हमारे पास एक भूभाग है और ये भी हमारे पास भूभाग है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जा रही है ठीक है और यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ पाई जा रही है लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसके बीच में जो एरिया है इसमें कोई भी स्पीसीज़ नहीं पाई जा रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा सा समंदर हो ठीक है जैसे हम यहाँ पर इसको कट कर दें तो यहाँ पर इनके बीच में कोई बड़ा सा समंदर आ जाए जिसकी वजह से ये जो स्पेशीज़ है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं यहाँ पर भी ये स्पीसीज यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी एनिमल पाया जा रहा है यहाँ पर भी एनिमल पाया जा रहा है और इस दोनों को जोड़ने वाली जो बीच में कनेक्टिव लिंक है इस एरिया में नहीं पाया जा रहा है तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम कहते हैं डिसकन्टीस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये जो पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज थी इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो इस एरिया की वजह से टूट गई वरना ये पूरी तरीके से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था बट ऐसा हुआ कि इसके बीच में नहीं पाया जा रहा है इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं और वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है अकॉर्डिंग टू डार्लिंगटन एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है डार्लिंगटन और उन्होंने कुछ कारण बताए कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल पाए जा रहे थे वो गायब हो गए दोस्तों पहला कारण इन्होंने बताया एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्ति एक्सटेंशन कैसे हुआ उन एनिमल्स का इन्होंने कहा दोस्तों स्टार्टिंग में सारी जो स्पेशज थी वो पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थी लेकिन जो भूपटल है उसमें परिवर्तन हुआ चेंज हुआ चेंज होने की वजह से ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस एरिया में इस एरिया से इस एरिया में ये नहीं आ पाए जैसे ही भूपटल में परिवर्तन हुआ इन्वायरमेंटल में चेंज हुआ और उस एन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से ये जो बीच वाले जो एनिमल्स हैं वो सब के सब विलुप्त हो गए मर गए ठीक है एक्सटिंक्ट हो गए दूसरा कारण बताया दोस्तों इन्होंने प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स कारण इसलिए बताया दोस्तों इन्होंने कहा कि इस एरिया के अंदर इनके जो शिकारी जंतु हैं वहाँ करके जो मूल जंतु थे उनका इन्होंने क्या कर दिया नाश कर दिया खा गए उसे मार करके तो प्रीडेटर्स के पहुंचने पर वो जो सारे के सारे जीव थे इस वजह से खत्म हो गए ठीक है क्योंकि कारण हमें जानना है कि आखिर ये जो स्पेशज थी और ये भी स्पेशीज थी तो वो कैसे यहाँ पर इस बीच वाले कनेक्टिंग एरियाज़ में नहीं है तो यही कारण हमें जानना था और जिसका कारण इन्होंने बताया एक्सटिंक्शन विलुप्ति प्रिडेटर्स वहाँ पर शिकारी जंतु आकर के म्यूल जंतुओं का उन्होंने विनाश कर दिया उन्हें मार मारकर उखा गए इसकी वजह से इस यहाँ पर ये यह नहीं पाए जाते तीसरा कारण बताया डिसअपियरेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक उन्होंने कहा स्टार्टिंग में क्या था कि सभी के सभी जो जंतु थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे लेकिन कारण ऐसा हुआ कि ये जो यहाँ पर ये जो कनेक्टिव लिंक था ये यहाँ से हट गया यहाँ से भी और यहाँ से भी अब जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाए यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाए और यहाँ पर कुछ में चेंज हुआ जिसकी वजह से ये सभी के सभी एनिमल्स विलुप्त हो गए मर गए तीसरा कारण माइग्रेशन हो सकता है तो यहाँ पर कुछ कारण बताए डिसकन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक है डार्लिंगटन साइंटिस्ट ने जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जिसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं दोस्तों आप इसको फटाफट नोट कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट एक्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यानी कि ऐसे एनिमल जो कि डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं तो उसमें हम इन वर्टीब्रेड्स के अंदर भी देखेंगे और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर भी देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन वर्टिब्रेड्स के अंदर यानी कि जिनमें वर्टी ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम अबसेंट होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेरीपेटस पेरीपेटस दो तो फाइलम एनीलिडा फाइलम आर्थोपोडा के बीच एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है क्योंकि ये दोनों फाइलम्स की प्रॉपर्टी को शो करता है ये दोस्तों डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है पर पाया जाता है ट्रॉपिकल अमेरिका में भी पाया जाता है अफ्रीका में भी न्यूजीलैंड में भी और ईस्ट इंडीज में भी तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये माइग्रेट किया होगा ठीक है यही जो है डिस्कटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है उसके बाद आप देखेंगे डेलोस्टोमा बी यहां पर साइलेंट होगा डेलोस्टोमा जो होता है इसको कॉमनली हम वाटर बग के नाम से जानते हैं ये अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और उसके बाद अगर नंबर सेकेंड हम देखें वर्टिब्रेट के अंदर एग्जाम्पल यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें मर्टीब्रेड कॉलम प्रेजेंट होता है उनकी अगर हम बात करें तो इनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लंग फिशेस डिपनॉई जो कि जिसके थ्री जेनेराज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें आइसोलैंड में पाए जाते हैं थ्री डिफरेंट आइसोलैंड में और इन आइसोलैंड के बीच आप डिस्टेंस को देख लेना आप समझ सकते हैं कि कैसे ये माइग्रेट किया होगा ठीक है साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इन तीनों आइसोलैंड में इसके डिफरेंट डिफरेंट जेनेराज पाए जाते हैं ठीक है ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है डिसकटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का उसके बाद अगर हम देखें रेटाइटी यानी कि ऐसी बर्ड्स जो कि विंग्स जिसके अंदर जो विंग्स होते हैं या तो एबसेंट होते हैं या इन्हें हम कह सकते हैं फ्लाइटलेट्स बर्ड जो कि उड़ नहीं सकते ठीक है तो ये बर्ड जैसे कि हम बात करते हैं अफ्रीका अरब के अरब कंट्री में पाए जाते हैं कीवी जैसे फॉर एग्जांपल कीवी जो होता है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है तो ये एक तरीके से डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है तो हमने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों का देख लिया है आप इसको याद कर सकते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व क्या है वो हमें देखना है आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा होता है या जीवों को क्या फ़ायदा मिला चेंजिंग क्लाइमेट अलोंग विथ एनिमल आर ऑल्सो चेंज दोस्तों क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ एनिमल में भी चेंज हुआ पहले जो एनिमल्स थे उनसे बेहतर तरीके के एनिमल्स उत्पन्न हुए ऑर्गिन ऑफ न्यू इवोल्व स्पीसीज अब जो स्पीसीज जो इवॉल्व हुई हैं वो वो हाईली एक तरीके से पहले वाले एनिमल से बेस्ट हैं ठीक है हाईली इवोल्व स्पीसीज जो है वहाँ पर उनकी ऑर्गिन हुई तो ये जो है डिसकन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ उसके बाद आप देखेंगे नंबर थर्ड अपने स्टार्टिंग में नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर सेकंड हमने पढ़ा डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अब हम पढ़ते हैं नंबर थर्ड बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन सम स्पीसीज बिकॉज दे आर अडॉप्टेड टू द कोल्ड आर्किटिक क्लाइमेट कैन नॉट माइग्रेट टू द वॉर्मर एरियाज एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द पोलर रीजन प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स हमने यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं जो कि कोल्ड एरियाज़ में जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है ऐसी जगह पर वो जो है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी होती है उनकी अनुकूल हो जाती है तो अब वो जो है गर्मियों ऐसे स्थान पर नहीं जा पाते जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो ठीक है वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मतलब सम स्पीसीज बिकॉज दे आर अडोप्टिड टू द कोल्ड आर्कटिक क्लाइमेट इस तरह की जलवायु को जो है वो अडोप्ट कर लेते हैं उनकी जो बॉडी होती है उनकी लिए अनुकूलित हो जाती है तो कैन नॉट माइग्रेट द वार्बर एरियाज मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ऐसी जगह पर ये माइग्रेट नहीं कर सकते एंड हेज रेस्ट्रिक्टेड टू द पोलर रीजन पोलर रीजन के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं पोलर बियर ठीक है ऐसे भालू जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं पोलर बियर्स आर्कटिक फोक्स जो होती है लोमड़ी होती है ठीक है ये सब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोलर डिस्ट्रीब्यूशन का उसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं दोस्तों मीन्स ऑफ डिस्पार्सल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स ऑफ डिस्पार्सल क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है और हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी मीन्स ऑफ डिस्पार्सल यानी कि प्रकीर्णन के साधन प्रकीर्णन के साधन का मतलब दोस्तों जो जंतु हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर गए कैसे माइग्रेट किया हमें वो देखना है कि वो कैसे गए वही चीज़ होती है मीन्स ऑफ डिस्पार्सल यानी कि प्रकिंडन के ऐसे कौन कौन से साधन थे कौन कौन से ऐसे साधन थे जिसकी बेस पर जो है वो एक जंतु एक जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर गया तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो एनिमल माइग्रेट्स इन डिफरेंट एरियाज एनिमल जो है वो माइग्रेट करे गए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किस चीज़ के लिए फॉर मोर फूड ज़्यादा भोजन के लिए प्रॉपर सेल्टर के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए तो इसे इसे कहा जाता है मीन्स ऑफ डिस्पार्सल अगर कोई एनिमल अच्छे खाना अच्छे रहने के लिए स्थान के लिए अच्छे इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए और ज़्यादा खाना फूड होने फूड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर वो एनिमल जो है माइग्रेट कर रहा है तो इसको कहा जाता है मीन्स ऑफ डिस्पारसल और इसकी कौन कौन से वजह हो सकती है जैसे नंबर फर्स्ट लैंड ब्रिजेस प्यारे दोस्तों जो लैंड ब्रिजेस होते हैं ये जो जल जल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके लिए तो ये बैरियर की तरह होते हैं लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके लिए जो है प्रकीर्णन का एक साधन बनते हैं यानी कि एक भूभाग से जो दूसरे भूभाग को जोड़ने वाली जो ब्रिज है जो पुल है उनके ऊपर से जो है वो चले जा चले जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ठीक है तो एक तरीके से जो ब्रिजेस हैं वो एक सबसे यहाँ पर एक रोल प्ले करते हैं मीन्स ऑफ डिस्पार्सल में यानी कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है उनके डिस्पार्सल में उसके बाद आप देखेंगे नंबर सेकंड अब यहाँ पर लैंड ब्रिजेस का एक सबसे पुराना एग्जांपल है आदि काल में जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया की जो पुल था उसके बीच में मिला हुआ था जिस जो उनका भूभाग था एक पुल की वजह से मिला हुआ था जिसके कारण कई सारी वनस्पतियों कई सारे एनिमल्स का वहाँ पर जो है विनियम हुआ जिसे कहा जाता है डिस्पार्सल हुआ ठीक है एक्सचेंज हुआ वहाँ पर उस एक्सचेंज की वजह से उसका उस एक्सचेंज के जो प्रमाण है एविडेंस है वो आज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो लैंड ब्रिजेस जो हैं वो मींस ऑफ डिस्पार्सल यानी कि प्रकीर्णन के साधन में सबसे बेस्ट है नंबर सेकेंड आता है एयर दोस्तों एयर भी आप सोचते होंगे एयर में कुछ नहीं होता लेकिन एयर से भी कई सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं प्लांट के स्पोर्ट्स हैं ओव्यूल्स हैं या उन स्पोर्ट्स पर जो एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर उड़ करके फ्लाइट फ्लाइंग करके चले जाते हैं तो एयर भी एक तरीके से एनिमल्स या प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके बाद आता है बाय फ्लाइंग बर्ड्स दोस्तों कोई बर्ड्स आई और उसमें वो कीचड़ में उसने पैर मारा उस पैर पर कई सारे स्पोर्ट्स प्लांट के स्पोर्ट्स या फिर एनिमल्स कई सारे प्रोटोजो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं फाइलम के वो सब उसके पैरों में चिपक करके अगर वो दू दूसरे आइसलैंड्स में गया तो इसका मतलब उसने उसका प्रकीर्णन कर दिया वो दूसरे आइलैंड आइसलैंड्स में पहुँच गए तो ये है बाय फ्लाइट फ्लाइंग बर्ड्स के एनिमल्स के थ्रू जो भी ये जो है एनिमल्स का मीन्स ऑफ डिस्पार्सल यानी के वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डिस्पर्सल हुआ एनिमल्स का उसके बाद बाय मैंस यानी कि ह्यूमन के द्वारा भी कई सारी प्रजातियां जो है उनका विनियम होता है कई सारे एनिमल्स जो कि इंडिया में नहीं है ठीक है बाहरी कंट्री में है तो हम चाहेंगे कि वो हमारी कंट्री में भी हो तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं एनिमल्स का ठीक है कई सारे जू यानी कि जैसे कि आप देखेंगे चिड़ियाघरों में तो कई सारे विदेशी एनिमल्स भी आपको दिखाई देंगे जो इंडिया में नहीं पाए जाते थे लेकिन बाहर से इंडिया में लाए गए हैं और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो तम्बाकू दोस्तों तम्बाकू इंडिया का नहीं था लेकिन अब इंडिया में लाया गया है और इंडिया में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंस के द्वारा भी ह्यूमन्स के द्वारा भी कई सारे जो है डिस्पर्सल हुआ प्लांट्स का एनिमल्स का ठीक है उसके बाद बाय वाटर्स दोस्तों पानी के द्वारा भी कई सारे जो स्पोर्ट्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स कई सारे जो है पानी के थ्रू भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं उसके बाद बाय होस्ट एंड बाय माइग्रेशन माइग्रेशन के थ्रू भी बाय होस्ट के थ्रू भी तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि मीन्स ऑफ डिस्पर्सल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं प्रकीर्णन के साधन बनते हैं तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब एकदम बेसिक था दोस्तों ये एग्जाम पेपर में आए या ना आए लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ताकि आपको समझ पाए क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम पेपर में पूछा जाता है मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा